अनुपम, शुभेंदु अधिकारी का परिवार यहाँ पर वोट डालता है, पूरी तस्वीर दिखाइए और बताइए, क्योंकि आज 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है, संग्राम का पहला दिन है ये बंगाल के लिए। बिल्कुल, जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रभात कुमार कॉलेज है और यहीं पर शुभेंदु अधिकारी का जो परिवार है वो वोट डालता है। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी, जो उनके भाई हैं दिव्येंदु और सुमेंदु, प्रत्येक का वोट यहीं पर इसी बूथ में है और थोड़ी देर में वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो जगह है कांथी, ये दक्षिण कांथी जो असेंबली सीट है उसके अंतर्गत आती है और सबसे अहम ये सीट इसीलिए है कि ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जा रहा है और शुभेंदु अधिकारी का घर इसी जगह पर है। तो ऐसे में इस जगह पर काफी बड़ा ये कॉलेज है। अगर उस तरफ मैं दिखाऊं तो उस तरफ भी काफी, यहां पर इस कॉलेज में 6 बूथ हैं, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। लगभग 700 कंपनी सुरक्षा बलों को पूरे 30 सीटों के लिए इस बार लगाया गया है और ये अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था है। इससे पहले जो भी सुरक्षा व्यवस्था हुई थी उसके सारे रिकॉर्ड इस बार सुरक्षा व्यवस्था ने तोड़ दिए हैं। कोरोना के मद्देनजर यहां पर आप देख सकती हैं मास्क, सैनिटाइजर और जो भी अंदर जा रहे हैं थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, टेम्परेचर नापा जा रहा है। तो जो जो इंतजाम होने चाहिए वो इंतजाम है यहाँ पर। और जो प्रक्रिया परिवर्तन होगा या खेला होबे वो तो 2 मई को तय होगा, लेकिन आज से उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंजना, तो सुना आपने, बता रहे हमारे सहयोगी अनुपम वहां पर, और कतार भी आपने देखी। शशि शेखर जी भी हमारे साथ नोएडा से सीधे जुड़ गए हैं। आइए आपको जल्दी से एक बार पौलोमी साहा के पास चलते हैं, झारग्राम का ये संग्राम। पौलोमी, इन तमाम इलाकों में जो अगर हम 2016 के चुनाव को देखें तो टीएमसी का वर्चस्व था, लेकिन जब लोकसभा चुनाव को वहीं पर देखते हैं तो 8 में से 5 सीट बीजेपी का कब्जा, ये क्या बता रहा है? और बहुत सारे ट्राइबल इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, किस तरह के संकेत? और एक बार जो बूथ है उसका भी नजारा दिखाइए पौलोमी। जी, मैं साजिद से कहूंगी, मेरे कैमरामैन से, कि जो बूथ है वो उसका नजारा दिखाते रहे आपको। तब तक हम बात करें जंगल महल की, जहां की 30 सीटें इस पहले चरण में इलेक्शन में जा रही हैं। इन 30 सीटों की बात करें तो जैसा आपने कहा, 2016 में 27 सीट तृणमूल की तरफ गई थी, तो 2019 में बीजेपी ने आकर यहां पर बहुत गेन किया था। यहां तक कि जो अगर आप टोटल जंगल महल की सीटें देखें, अगर जंगल महल को आंका जाए तो 40 सीटें इस रीजन में आती है, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर इस इलाके में। और उन 40 सीटों में 31 सीटों में टीएमसी पीछे चल रही थी। अगर आप 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के फिगर्स को असेंबली इलेक्शंस के हिसाब से देखे, पर अब जो माना जा रहा है कि टीएमसी ने गेन करने की कोशिश की है, जो उन्होंने ग्राउंड लूज किया था बीजेपी को, उसको गेन करने की कोशिश की है। उन्होंने काफी सारे एससी एसटी लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दी है, उनको पोजीशंस दिए हैं, काफी सारे स्कीम्स उन्होंने शुरू किए हैं, जैसे जय जौहर बंधु स्कीम। तो ट्राइबल्स की तरफ जो आउटरीच रहा है दोनों पार्टीज का काफी रहा है। ओबीसी की तरफ भी आपने सुना होगा मैनिफेस्टो में दोनों पार्टीज ने कहा है कि महिष्यास, तामलुक, तिलीज और शहास, इनको हम ओबीसी स्टेटस देंगे। बीजेपी ने कहा है कि महिष्यास और तिलीज को देंगे, और जो टीएमसी ने कहा है कि महिष्या, तिली, तामलुक और शाह को देंगे। तो एक तरह से काफी आउटरीच की कोशिश की है, क्योंकि जो 30 सीटें हैं अंजना जो इस इलेक्शन में इस बार इस पहले चरण में जा रही है, उनमें से कम आधी सीटों पर जो है, आधी सीटें जो है वो रिजर्व सीट्स है, एससीज और एसटी सीट्स है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए दोनों पार्टीज ने काफी आउटरीच करने की कोशिश की है। किस हद तक इसमें वो सफल हुए हैं वो तो हमें 2 मई को ही पता चलेगा। अंजना,